पूर्व निगम के अधिकारी हमारे साथ है, NHAI के अधिकारी हमारे साथ है और रॉड्रिक्स वेयर के कंसल्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि जो दिघा पर एक बड़ा मेज है, इसमें एम्स की तरफ से आने वाला सड़क, आर ब्लॉक की तरफ से आने वाला सड़क, गंगा पथ वाला आने वाला सड़क जो शेरपुर तक जाएगा और उसके बाद यहाँ से ये सभी सड़कों का मूवमेंट जेपी सेतु से उस पार जाना है, वहाँ जाके NH-19 में जुड़ना है। NH-19 पर टी जंक्शन था तो उसके लिए भी फिर से एक नया प्रस्ताव बनाने का बात है और वहाँ पर एक फ्लाईओवर देख करके, ताकि पटना के जाने वाले लोग जो छपला जाना चाहते हैं, जो हाजीपुर जाना चाहते हैं या भविष्य में कोई मार्ग जो राष्ट्रीय उच्च पथ मिलेगा उस पर जाने का प्रस्ताव है। तो आज की बैठक में फिर से विमर्श हुआ है। इस बैठक में सुनील जी आए हैं जो उसके वरिष्ठ अभियंता हैं, NHAI के अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ कि ये, और लेकिन इस पर हमारी चिंता है कि ये जो मेज बन के आ रहा है 16 सड़कें लगभग इस पर जुड़ रही हैं और इसका टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले दिनों में पटना के लिए और पूरे बिहार के लिए सामत बन जाएगा अगर हम इसको अलाइन नहीं करें। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि दिघा पर लगभग 16 पथ आने और जाने वाले बन रहे हैं जिसका अलाइनमेंट अति आवश्यक।